बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तलावत मुकाशफा की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 19वीं आयत और फिर 12वें बाब की पहली 6 और फिर 10वीं आयत। और खुदा की हैकल आसमान में खुल गई और उसकी हैकल में उसके अहद का संदूक नज़र आया। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नज़र आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पाँव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ़ में होकर दर्दे ज़ै के सबब से चिल्लाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया और देख, सुरख रंग का एक बड़ा अजदहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे और 7 ताज उसके सरों पर थे और उसकी दुम ने आसमान के तिहाई सितारों को खींच कर ज़मीन पर गिरा दिया। फिर असदहा उस खातून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसे निगल जाए, और उसके यहाँ नरीना फर्जंद हुआ जो लोहे के आसा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका फर्जंद खुदा और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया। और वो खातून बियाबान में भाग गई जहाँ खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की है। और मैंने एक बड़ी आवाज़ आसमान में ये कहते सुनी कि अब निजात और कुदरत और हमारे खुदा की बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।